आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम फॉर्मूलाइज की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई से हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पेपर होता है, उस पर कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाइज देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अब टू पॉइंट्स जैसे ए और बी ले लिया, उनके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए, जैसे पॉइंट ए, जैसे एक्स वन कॉमा वाई वन एंड वी एक्स टू कॉमा वाई। तो डिस्टेंस डी से डिनोट करेंगे, रूट लगाएंगे, और यहाँ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला बात आती है, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हमने एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हमने एक्स टू कॉमा वाई, बीच में कोई पॉइंट है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, क्योंकि इंटरनली बीच में है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। वो फॉर्मूले से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू जो है ये, इसको एम वन और एम टू के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे निकालेंगे, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। एक्स की वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले से, इसकी वैल्यू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। देखो एम वन के साथ में टू, एम वन के साथ में टू, टू के साथ में वन। अब वाई का कैसे निकालेंगे, वही एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसी तरह से थर्ड, थर्ड में वही बात है, एक लाइट सेगमेंट है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब कोई पॉइंट है ये पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, जो कि एक्सटर्नली इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरनली था, यहाँ एक्सटर्नली है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। यहाँ पर वाई की एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। अब फोर्थ लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट है कि ए और बी, यहां पर भाई एक्स वन वाई वन, यहां पर एक्स टू वाई टू, यहां पॉइंट पी है क्योंकि मिड में है, बीचों बीच है, इसके हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और y बराबर हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से ये फॉर्मूले है, वो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काम आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस का क्या होता है, d इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस वाले को एक्स टू बाई टू मान लेते हैं, इस वाले को एक्स वन बाई टू मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि फाइनली स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं।
चलो इसको हम एक्स टू ले लेते हैं, तो एक्स टू में यहाँ वैल्यू क्या है अपनी माइनस वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स, ये तो फॉर्मूला का माइनस वन है माइनस है, इसके बाद में एक्स वन की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स हमने यहाँ रखा और ये इसको हमने वी वैल्यू ब्रैकेट में रखा और इसका है प्लस वाई टू माइनस वाई वन। यहां आपका माइनस सही है एक्स टू माइनस एक्स वन, यहां पर एक्स वाई टू, वाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव माइनस इसका, और यहां पर वाई वन की वैल्यू कितनी है सेवन इसका, यहां पर माइनस वन और ये प्लस सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा फाइव का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस फाइव माइनस सेवन मिलकर क्या होगा माइनस ट्वेल्व, माइनस फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, और यहाँ कितना हो गया माइनस ट्वेल्व का वन फोर्टी फोर, इन दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया वन सिक्सटी। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया प्लस माइनस थर्टीन, लेकिन हम क्या निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा प्लस में आती है, नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकती, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्टीन, यूनिट लगा सकते हैं क्योंकि यूनिट हमको दी नहीं है कोऑर्डिनेट है, इस तरह से हमारा ये आंसर है। अब यहाँ पर आते हैं वही काम करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है एट है माइनस, x1 कितना है माइनस वन, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा इधर, बाय टू कितना है माइनस टू, बाय वन कितना है माइनस वन, तो माइनस वन प्लस तो हो गया, यहाँ पर एट और वन नाइन, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन, यहाँ पर माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, एट्टी वन और वन तो इसका रूट निकाल नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं देखो थ्री फाइव एंड सेवन नाइन, थ्री फाइव सेवन, एक पॉइंट है उस पॉइंट को कितने मान लिया पी, जो कि टू रेशो थ्री में इनको क्या कर रहा है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, देखो इंटरनली है, इंटरनली का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि एक्स इज इक्वल टू होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन होल एम वन प्लस एम टू। यहां देखो इसको हम m1 मान लेंगे, इसको हम m2 मान लेंगे, तो यहाँ m1 टू m1 x2, इधर वाले हमारे x2 by 2, इधर x1 by 1, तो m1 m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, तो यहाँ देखो सेवन टू जा फोर्टीन, थ्री थ्री जा नाइन, और यहाँ फाइव, तो फोर्टीन एंड नाइन हो गए आपके ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री अपॉन फाइव आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब निकालनी हमको इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू, जो फॉर्मूला जानते हैं एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, वही काम करेंगे एम वन टू, वाई टू की वैल्यू नाइन, एम टू थ्री, वाई वन की वैल्यू फाइव, एम वन प्लस एम टू, यहाँ कितना हो गया है एटीन, यहाँ कितना हो गया फिफ्टीन, और यहाँ कितना हो गया फाइव, ये कितना हो गया थर्टी थ्री अपॉन फाइव। इस तरह से हमारा जो एक्स की वैल्यू कितनी आई है ट्वेंटी थ्री अपॉन फाइव,
और पाई की वैल्यू कितनी आई है 33/5। चाहो तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं 23/5, 33/5 भी हमारा आंसर। एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट है एक और बी, जिनके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -4, 4 और क्या है 7, 2, जिसको कि एक पॉइंट है एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नल इसको मान लेंगे हम P, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 4:7 में। तो कैसे, ये तो 4 हो गया और ये 7 लिया जाए, कोऑर्डिनेट निकाल ले उनको एक्स और वाई के। तो हम जानते हैं एक्सटर्नली जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है m1 minus x2 plus m2 x1 एक्सटर्नली होता है तो माइनस आता है, इंटरनली होता है तो प्लस आता है। इसी तरह से जब वाई निकालेंगे तो m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2। क्या है रेशो, 4:7। तो यहां पर m1 4 m1 x2 x2 7 माइनस m2 कितना 7, x1 कितना माइनस 4 अपॉन कितना m1 minus m2, तो 4 minus 7 करते हैं। सो 7 4 जा 28 माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ कितना हो गया 4 minus 7 minus 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 56 28 28 56, यहाँ पे माइनस 3, माइनस साइन हमेशा ऊपर चला जाता है तो -56/3। और भी आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो -18/2/3 हमारा आंसर। इस तरह से बाई की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो हम जानते हैं m1 की वैल्यू तो 4 है, बाई 2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 7 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 4 minus 7, यहाँ ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा -3, 8 minus 28 minus 20, बड़ी है हमारी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर कितना बचा, 3, माइनस से माइनस कट गया तो 20/3, जब 20/3 तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 6 and 2/3। अब इन दोनों को जो हमारे आंसर आए ये और ये, इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं -18 and 2/3 और यहाँ 6 and 2/3 हमारा कंप्लीट आंसर। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 and 0, 60। हम जानते हैं कि मिड पॉइंट निकालना होता था फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 एंड y1 plus y2 upon 2 x1 plus x2, x1 कितना है हमारा 22, x2 कितना है 0 upon 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 22/2 कट के हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा y1 कितना है 20 और y2 कितना है 16, ये हो गया 36/2, तो y बराबर हमारा आंसर आ गया 18। इस तरह से हमारा x और y जो मिड पॉइंट है क्या आंसर आए 11 and 18। इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।